और आखिरकार मैच खत्म हुआ और बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है। जी हाँ, बांग्लादेश ने ये मैच 33 रन से जीता। जी हाँ, 33 रन पता ही नहीं है, बताया 33 जीता है। और आखिरकार बांग्लादेश ने ये मैच 33 रन से अपने मुट्ठी में कर लिया है। जी हाँ, 1-0 से सीरीज में बांग्लादेश ने लीड ले ली है। जरूर, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का आज फर्स्ट ओडीआई था। इसकी पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर हम हाजिर है, या फिर यू कहे पोस्टमार्टम लेकर हम हाजिर है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी। जी हाँ, 257 रन उन्होंने मारे, 258 रन का लक्ष्य रखा। काफी अच्छी इनिंग्स कुछ थी। तमीम, रहीम और महमूदुल्ला, इनकी अच्छी इनिंग्स की बदौलत और एंड में हफीफ हुसैन का कैमियो, इनके बदौलत 257 का टारगेट रखा। लेकिन टारगेट तो उन्होंने रख दिया। उसके बाद सारा मामला था चेस डाउन करने का। 258 रन कहीं से भी इतने इजी नहीं थे, क्योंकि श्रीलंका ये वो पुरानी श्रीलंका नहीं है, इनमें काफी बड़े बड़े नाम नहीं है, और लेकिन नई टीम थी, कप्तान नए थे, तो इस हिसाब से 258 रन इतना आसान लक्ष्य नहीं था। कैसे वो इनिंग्स चली, ओवरऑल एनालिसिस अयान शुरू करें आप। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे श्रीलंका की जहां तक बात करें चेस करने के लिए कहीं ना कहीं उतरी, तो शुरुआत वैसी नहीं मिली जैसी मिलने की सोच हमें रखी थी, मिलनी चाहिए थी। 100 रन के अंदर अंदर 5 विकेट आपके गिर जाते हैं, ना आपके ओपनर चलते हैं, ना आपका मिडिल ऑर्डर चलता है, पूरे के पूरे आपके सब जो पथुन निशंका को जो वन डाउन ट्राई किया वो भी फ्लॉप हुआ। तो ये साफ क्लियर हो जाता है कि प्लेयर आपके पास अभी भी नहीं है, अभी भी रिक्वायरमेंट जारी है। जी हाँ, अभी भी जारी है, क्योंकि अभी भी टीम में वो पुरानी श्रीलंकन टीम की खोज अभी भी जारी है। बिल्कुल जारी है, अभी भी अप्लाई पोस्ट खाली है आपकी टीम में। ना कुशल परेरा की बात करें, 30 रन उन्होंने मारे। इसी के साथ साथ अगर कुशल मेंडिस की बात करें, 24 रन उन्होंने मारे, तो ये कहीं का भी कोई स्कोर नहीं था। जी हाँ, उसके बाद यहाँ तक जो मैच पहुंचा है उसका पूरा श्रेय, पूरा का क्रेडिट एक जने को जाएगा, वरंडू हसरंग। जी हाँ बिल्कुल, वरंडू हसरंगा ने जबरदस्त इनिंग यहाँ पे खेली है। 74 रन की इनिंग उन्होंने खेली। उन्होंने काफी देर तक एक छोर पकड़े रहा, लेकिन दूसरी छोर से वो लगातार देखते रहे कि उनके सारे साथी खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते चले गए। उनका साथ सपोर्ट किसी ने नहीं दिया, और जाहिर सी बात है ओडीआई क्रिकेट है, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला गया और एक वक्त 7, 7.5, 8 तक पहुंच गया। तब ये जरूरी था कि वो रिस्क ले, और वो ही हुआ। उन्होंने रिस्क लेना शुरू किया, उन्होंने थके हुए शॉट्स खेले, गैर जिंदाना शॉट खेलना पड़ा, और उसी के साथ उन्होंने अपना विकेट गवाया, और उसी के साथ वो मैच भी वहीं पे सील्ड हो गया कि मैच तो भैया यहां से गया। ये तो सारी बात हो गई कि मैच में क्या हुआ। अब यहां पे बात यह आ जाती है कि सबसे पहली बात, 30 सेकंड में श्रीलंका की बॉलिंग को आप कितने पॉइंट्स देंगे? 10 में से। बिल्कुल, देखिए 10 में से कहीं ना कहीं 6.5 नंबर का। क्यों? क्योंकि यहां पे श्रीलंका ने बॉलिंग कसी हुई बॉलिंग कराई है। कहीं ना कहीं टाइट बॉलिंग थी, लास्ट के कहीं मौकों पे आके कुछ रिलीज कर दिया है, लेकिन टाइट बॉलिंग रही है। इतना कोई बड़ा स्कोर कोई हुआ नहीं था, 3.5, 4.5 का ऐसा कोई स्कोर यहाँ नहीं था जो ये देखने को मिला। तो 10 में से 6 बॉलिंग को जाते हैं आप कितने? अब जी हमारा एक ही है, 10 में से 6 ही है। बिल्कुल, मुझे लगा शायद कुछ आपने सोचा। नहीं नहीं, 10 में से 6 ही है, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि रिलीज किया है श्रीलंकन बॉलर्स ने मैच को 25 ओवर के बाद। जी हाँ, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटिंग के बारे में। 258 रन का टारगेट, सबसे पहली बात तो कितना टफ मानते हैं यहाँ श्रीलंका, छोड़ दीजिए दुनिया की कोई भी टीम यहाँ पे होती, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के घर में उनकी बॉलिंग अटैक के सामने आप कितना टफ मानते हैं 258 का टारगेट? देखिए 258 का टारगेट कोई इतना टफ नहीं है, अभी कुछ टीम यहाँ आ जाए, स्पेशली जैसे कि आपने कहा था कि चेस बहुत अच्छा होगा ग्राउंड पे, उस पे भी श्रीलंका ने पानी फेरा। ये मैं भी थोड़ा शर्मिंदा हूँ इस बात पे कहीं ना कहीं कि फैक्टर काम आता, बिल्कुल आता, लेकिन उससे पहले जो 100 रन के पहले पहले आप 5 विकेट गिर जाते हैं तो वहां ज्यादा कुछ बचता नहीं है। ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्होंने अपने मैच को खो दिया है, कहीं ना कहीं बहुत सारा विकेट 5 विकेट गिर गया। अब मेरा सवाल एक यहाँ है आपसे है, आप लोगों से भी जवाब दीजिएगा, क्या श्रीलंका में अब क्या होना चाहिए? क्या बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सेम टीम लेके उतरनी चाहिए, या फिर इस टीम में कुछ बदलाव होने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं रखिए कोई बात नहीं, थोड़ा यकीन दिखाइए। मेरा सिर्फ एक ही लाइन में आंसर होगा, और मैं ये हमेशा से हर टीम के लिए कहता आया हूँ, मेरा क्रिकेट में मानना यही है, आप कुशल परेरा को इसी टीम के साथ, इसी स्क्वाड के साथ 2-3 साल छोड़ दीजिए। सच में आपको लगेगा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हार रहे हैं लोग, क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, गालियां दे रहे हैं,
दो तीन साल इसी टीम के साथ भूषण पेरा को पूरा फ्रीबी, जिसे हम कहते हैं ना फ्रीबी एक वर्ड है, छोड़ दीजिए। अगर 3 साल बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इस टीम को नहीं पहुंचा दिया तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे, कम से कम मैं यहां से हट जाऊंगा। जितना मुझे क्रिकेटिंग नॉलेज है, जितना भी मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज है, वो ये कहता है कि आपको एक वक्त देना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है वो वक्त नहीं दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड में भी श्रीलंका के लोग कहते हैं, फैंस कहते हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स वहां पे चल रही है, बहुत इन्वॉल्व है, उस पे हम नहीं जाएंगे, हमें उस पे कहने का कोई हक नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन वो हिस्सा है, वो गेम का हिस्सा है, आप जाएंगे। हमारे ये क्रिकेट का चैनल है, हर पहलू पे नजर होनी चाहिए। जी सही कहा आपने, तो मेरा आंसर यही बिल्कुल कि श्रीलंका की जो बैटिंग ऑर्डर है आज उसी की बैटिंग बनी है वजह श्रीलंका की आज की इस हार की। एट द एंड अयान इसे आप खत्म करें। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पे कुछ चेंज मैं यहाँ करना चाहूंगा, श्रीलंका में देखना चाहूंगा, अकीला धनंजय को लाके आप वलंडू हसरंगा को बैटिंग में करके आप दाशुल शनाको को बाहर करिए। जी हाँ, ये मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, मैं चाहूंगा अगर इसे कोई सुन रहा हो तो आपको कैसा लगा आप बताइए, कि ये आइडिया दाशुल शनाको को बाहर करके वरुण हसरंगा को बैटिंग में अप करके अकीला धनंजया को एक बॉलिंग खिलाना चाहिए, जिससे कि इस कंडीशन में स्पिनर देखा हमने कितने इफेक्टिव हुए हैं, बहुत इफेक्टिव हुए हैं स्पिनर, तो मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन यहाँ हो सकता है। जी हाँ, है ना, तो यही था पोस्टमैच एनालिसिस में, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई, पहला मैच जीत चुकी है बांग्लादेश, 1-0 अप हो गई है। अगर नेक्स्ट मैच एक तरह से करो या मरो होगा श्रीलंका के लिए, अगर जीतती है तो फिर सीरीज का फाइनल का मजा है, वरना फिर ये सीरीज अगले ही मैच में बुक होगी। सारी एनालिसिस और कवरेज यहाँ पे जरूर मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।